पंजाब सरकार की तरफ से बोगस इमिग्रेशन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए रूल्स को हार्ड एंड फास्ट कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अब लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। वहीं उनके हर तरह के पैसों के लेन देन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, जिसके चलते मोहाली की एक इमिग्रेशन कंपनी सी बर्ड पर ईडी द्वारा रेड की गई। गौरतलब है कि इस कंपनी के मालिक के घर की गई रेड पर एक रिवॉल्वर और कई जाली मोहरें भी बरामद हुई। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सी बर्ड इमिग्रेशन कंपनी और उनके घर की तलाशी ली गई, जिसमें से यह सारा सामान बरामद हुआ। उनका मानना है कि यह कंपनियां बोगस धंधा करती हैं, जिसके चलते वह आम लोगों को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपया वसूल रही हैं। बहरहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा पुलिस को इस मामले पे कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। ईडी डिपार्टमेंट ने अपनी टीम दे नाल अपनी सी बट एजुकेशन है फेस 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਸੀ ਬਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 30 ਮੋਹਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 118 472 473 420 120 IPC 20 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। इस संबंधी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने बताया कि पंजाब के दुआबा के लोगों की बड़ी मांग अक्सर यही होती थी कि दुआबा में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, जिसके लिए दुआबा के लोगों को दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर अमृतसर जाना पड़ता था। लेकिन अब उनका लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म होगा, जिसके लिए आदमपुर एयरपोर्ट से 1 नवम्बर से हवाई सफर शुरू होने जा रहा है, जिसका काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। जिसके चलते केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने एयरपोर्ट अधिकारियों और जिला प्रशासन से बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 1 नवंबर से आदमपुर से हवाई सफर शुरू होगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के नामकरण की अभी बात चल रही है। आज जलंधर के आदमपुर एयरपोर्ट की समीक्षा के लिए आज बैठक थी और संबंधित सभी विभागों को बुलाया गया था, जिसमें एयरलाइन, रोड के कॉन्ट्रैक्टर और एयरफोर्स सभी अधिकारी बुलाए गए थे और उन सभी ने आज समीक्षा हुई है और आश्वासन दिया है कि अभी ये 14 तारीख तक तकरीबन कंप्लीट कर देंगे, 15 तारीख को रेडी टू फ्लाई होगा और 19 के आसपास हम बुकिंग शुरू करेंगे और पंजाब डे पे एक अटेंटिवली एक डेट बनी है कि पंजाब डे पे हम इसका 1 नवंबर को यहाँ से फ्लाइट शुरू करें। जलंधर के कस्बा शाहकोट के गांव बाजवा कला में आजकल खुशी का माहौल है और खुशी में मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। प्रभदीप के पिता, जो कि छुट्टियां मनाने के लिए आजकल जलंधर आए हुए हैं, प्रभदीप के पिता ने बताया कि उनके बचपन का ही सपना था कि वह एक पुलिस अफसर बने और यह प्रभदीप की कड़ी मेहनत का फल है जो इस मुकाम पर पहुंची है। और परिजनों का कहना है कि प्रभदीप ने इस मुकाम पर पहुंचकर अपने देश और पूरे पंजाब का मान बढ़ाया है और उनको बहुत खुशी है। हाँ जी, जिदा तो बहुत बढ़िया लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा जो सिलेक्शन हो गई और 5-6 महीने तो लग गया, पहले स्टार्टिंग तो लैके जो बिगिनिंग तो लैके एंड तक बहुत मेहनत की, सारी ट्रेनिंग पास करके और मैं फोन आया एकदम लड़की का, हाँ डैडी सिलेक्शन हो गई मेरी, मैं नौकरी ज्वाइन कर लगी हाँ, तो जो सुन के बहुत माण लगा, जिदा माण होया। प्रभदीप के पिता लैमर सिंह के अनुसार बेटी प्रभदीप कौर की बचपन से ही इच्छा थी कि वह पुलिस अफसर बने, आखिर प्रभदीप कौर ने अपना सपना सच कर दिखाया। सानू बहुत ज़्यादा वधिया लग रहा, सानू बहुत माण महसूस है, उन्हें तो बहुत खुशी हुई कि साड़ी फैमिली चो इन्नी वधिया पोस्ट थे, वह भी बाहर जाके
जॉब मिली है उन्होंने। जलंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ANV न्यूज। मृतक सरबजीत सिंह दे पिता गुरनाम सिंह ने दस्या कि उन्हां दा बेटा ट्रक ड्राइवर है अते पिछली रात ही सफर तो बाद सवेरे 4 बजे घर आया सी। उन्हां मुताबक उन्हां दे बेटे नूं एक फोन आया अते सरबजीत सिंह घरों चला गया। जब देर रात तक सरबजीत सिंह घर वापस नहीं आया तो उन्हां ने उसकी भाल शुरू कर दी। ना मिलन तो बाद पुलिस नूं इसकी इतलाह दी गई। सवेरे जब वह अते उन्हां दा छोटा बेटा सरबजीत सिंह दी भाल कर रहे सन तो नज़दीकी पिंड खाखड़ी भूआ भाई विखे सड़क के किनारे सरबजीत सिंह दा मोटरसाइकिल खड़ा दिखाई दिता, जिस दी इतलाह उन्हां वल्लों कर दी गई। जब झाड़ियां विच वेख्या तां सरबजीत सिंह दी लाश मिली जिस दे मुंह विचों खून निकल रहा सी। सरबजीत सिंह दे पिता गुरनाम सिंह ने आरोप लगाया है कि सरबजीत सिंह दी किसी ने हत्या कर दी है। पता सर मेरे को बड़ा सोहना ठीक ठाक ही आया जी, राती 4 बजे घर आया, घर आने के पानी का गिलास पीता जी, दैन फोन आ गया, बहुआ नूं कह के गया, कहिंदा तू चाह बना के रख, मैं कहिंदा चाबी मेरी जेब च आ गई है, मैं चाबी देवां, मैं चाबी देण गया तो सर उतों बाद आ बस। मौके ते पहुंचे DSP स्पैशल ब्रांच हरजिंदर सिंह ने दस्या कि सरबजीत सिंह दी लाश खाखड़ी पिंड दी संघनी झाड़ियां दे विचों मिली है, जिस तों पहला सरबजीत सिंह दे परिवार ने सरबजीत सिंह दे गुम होण दी पुलिस नूं इतलाह दित्ती सी। मौके ते फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट अते डॉग स्क्वाड दीआं टीमां पहुंच चुकियां ने अते जांच शुरू कर दित्ती गई है। पिंड खाखड़ी हैगा, उहदे विच जिस तरह चोट पैंदी है जगह संघनी बूटे झाड़ियां जिहड़ियां होंदियां ने, उहदे विच सरबजीत जो पिंड बसी दा रहण वाला है ते इहदी डेड बॉडी है पिंड खाखली बुआबाई दे विच मिली हैगी है। मौका देखिया कि और डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट भी असीं बुलाए हैगे ने और यदि असं बोर्ड तो जरा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जो भी ये कुछ पता लगता है तो मुताबिक कानून के असं वो काम करा। होशियारपुर तो सुनील लाखा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट ANV न्यूज। जिला सिक्ख्या अधिकारी समरा ने दस्या कि सिक्ख्या सकत्तर श्री कृष्ण कुमार निर्देशा अनुसार यह मोटिवेशन मुहिम पढ़ो पंजाब अते पढ़ाओ पंजाब तेज की गई है। उन्हें कहा कि झोपड़ियों विच कुछ अजिहे बच्चों की शनाख्त की गई है जो कुछ निजी कारणों करके स्कूल जाण तो वांझे हैं जां फिर पढ़ाई नूं विचों ही छड़ दिता गया है। स्कूलों विच हाजिरी घट सी इसलिए इहो जिहे बच्चों नूं स्कूल आउण लई मोटीवेट किया गया है। मेन मकसद यही है कि पंजाब सरकार का जो मेन उपराला हैगा भी कोई भी बच्चा जिहड़ा एजुकेशन तो बिना ना रहे, इस करके साडे मानयोग सैकटरी साहब ने श्री कृष्ण कुमार जी उन्होंने सानू कहा भी जिहड़े भी बच्चे स्कूलों च नहीं जाते उन्होंने कोशिश करो भी स्कूलों में आ के एजुकेशन लैन। साडा मेन मकसद झुग्गियां चाउण दा इह सीगा, कुछ बच्चे इन्हां दे स्कूलों जाते आ कुछ बच्चे नहीं जाते, असी इन्हों ये कहना है भी पढ़ाई का जोड़ा बहुत महत्व हैगा क्योंकि जेड़े नहीं आ जे स्कूल जाते भी है वो एबसेंट बहुत हो जाते हैं क्योंकि ये काम तो चले जाते हैं बच्चों खड़ाते रहते, इस करके असं इन्हों मोटीवेट करना है भी अपने बच्चों स्कूलों में जरूर भेजो, उन्होंने एजुकेशन दवाओ। असी जिथे भी कितने गए हैं देखिया इन झुग्गियों के भी काफ़ी जगह विजिट मैं कर चुका वा, उन्होंने बच्चे मैरीटोरियस स्कूलों BCA MCA करके अपने अपने पैरों पर खड़े होने लिए मतलब वो आप कह रहे थे उदन पेरेंट्स भी साडे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये कोई शक नहीं, इन्हें बहुत टैलेंट आ बहुत आर्ट आ बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्हों सारा कुछ ही फ्री आ, यूनीफॉर्म फ्री आ, इन्हों किताबा फ्री आ, इन्हों वजीफे फ्री आ, मिड डे मील जरा वह भी खाना इन्हों दोपहर का उत्थे मिलेगा, होर जे कोई बच्चा हैंडीकैप्ट होए अंगहीन होए उन्होंने बकायदा हर फैसिलिटी दी जाती है, कोई दिल का ऑपरेशन आ कोई व्हीलचेयर आ कुछ भी हैगा वो मतलब पंजाब सरकार वालों दिता जाता जी। संगरूर दे विच रिश्तियां दे कतल दा सनसनीखेज मामला एक बार फिर तो सामने आया है जिथे नशे दे विच अन्ने होए पुत ने अपने ही प्यो दा इट मार के कतल कर दिता।
दरअसल 2 अक्तूबर नूं उभावाल रोड ते स्थित अंबेदकर नगर विच रहण वाले पाला राम दी लाश पुलिस नूं सड़क किनारे तो बरामद होई सी, जिस तों बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दित्ती ते खुलासा होया कि पाला राम अपने सब तो छोटे लड़के दे व्याह दे वास्ते कुछ समान लैण लई घरों निकलिया सी तां उसदी दूसरे नंबर वाले लड़के दे नाल टकरार हो गई, जिस कारण लड़के ने अपने ही प्यो दा कतल कर दिता। इन्ना ही नहीं, कतल करन तो बाद कातिल पुत दे वलों सबूतां नूं मिटाउण दी कोशिश भी की गई। फिलहाल पुलिस ने कातिल नूं गिरफ्तार कर लिया है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। तो उधर कातिल लड़के ने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि प्यो दे वलों उसनूं मारन दी कोशिश की जा रही सी, जिस दे चलदियां उसने अपना बचा किया अते उस दे हत्थों अपने ही प्यो दा कतल हो गया। सर मैं जान बुझ के नहीं कीता, सर गलती नाल हो गया जी। मेरे उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा की हुई सी सर, वो एक दिन पहला घरों गए हुए सी, तो सर मैं उन्होंने देखने वास्ते गया सी, तो जो मैं देखा तो वो रेलवे फाटक पार करके किसी थड़ी ते बैठे सी, उन्होंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा की हुई सी। जो मैं घर गया सी सर, मैं बाजारों मैं भी ड्रिंक की सी, ड्रिंक करके जो मैं उन्होंने देख गया तो भी तुम घर चलो भी कल दे तुम घर नहीं आए, तो सर देखा तो उन्होंने मेरे नाल हाथापाई की, हाथापाई करने तो बाद उन्होंने मैनू धक्का भी दिता, धक्का देने तो बाद उन्होंने इट चक्की भी तू चला जा मैं घर जाना नहीं है, तो सर मैं उन्होंने जफ्फी पाई, जफ्फी पा के हाथापाई करके लैके भी जा रहा सी, तो उन्होंने जितों असी खड़े से उतों सर उन्होंने इट चक्की है, इट चक्की और मेरे मार लगे हैं तो गलती ना सर मेरे तो इट उन्होंने दोबारा लगी सर। संगरूर से राजेश कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ANV न्यूज़।